शारदीय नवरात्रि को देखते हुए महानगर के सभी मंदिरों को साफ सफाई के साथ पूरी तरह से सजाकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसके संबंध में गोलघर काली मंदिर के पुजारी संजय सैनी ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और सभी श्रद्धालुओं को मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा, नहीं तो उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंदिर में एक साथ केवल 5 श्रद्धालुओं का ही प्रवेश होगा। 5 श्रद्धालुओं को पूजा करके निकल जाने के बाद ही शेष श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगा। सभी श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को कपूर और अगरबत्ती मंदिर के बाहर जलाना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोलघर काली मंदिर के पुजारी संजय सैनी ने कहा, तैयारी पूरी हो चुकी है। बाकी जो तैयारियाँ बची हैं वो शाम तक हो जाएंगी। सैनिटाइजर रहेगा, मास्क रहेगा, 2 मीटर की दूरी रहेगी। 5-5 आदमी करके अंदर आएंगे, निकलने के बाद फिर 5 आदमी बुलाया जाएगा। यही सारी व्यवस्था है ताकि कोई भीड़ भाड़ ना हो। माना जाता है कि मंदिर बहुत पुराना है। तब भी कम से कम 80 साल पुराना मंदिर है। मास्क पहन के आए, दूरी बना के रखे हैं और आए तो सैनिटाइजर लगा के आए। सैनिटाइजर वहाँ रखा रहेगा, कपूर अगरबत्ती बाहर जलेगा। यहीं से चढ़ाएगा, अंदर जाने की अलाउ नहीं है।